बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ पाकिस्तान रेलवे कोटा डिवीज़न की प्रेम यूनियन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब नूर बाबर साहब बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तान रेलवे के हवाले से इनसे चंद सवालात करेंगे, बिलखसूस जो रेलवे की निजकारी और यहाँ से ट्रेनों की बंदिश के हवाले से, जो इस वक्त जो बलूचिस्तान से निकलने वाली जो ट्रेनें थी पाकिस्तान के दिगर शहरों की तरफ, वो आजकल सारे ट्रेनें बंद है, सिर्फ एक ट्रेन चल रही है इस हवाले से। और दूसरी बात यह है, जो हमारी जो रेलवे के वफाकी वज़ीर जनाब अज़म उस्माती साहब, उन्होंने ये कहा है कि रेलवे के सारे मुलाज़मीन चोर हैं। अब उनकी इस हवाले से भी हम इनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप आपकी राय में ये जो रेलवे की निजकारी हो रही है, क्या आप लोग इस पर आप लोग इसको छोड़ देंगे गवर्नमेंट को? नहीं जी, ये जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जैसे कि पाकिस्तान रेलवे है, वापडा है और OGDCL है, और इसके अलावा और कई ऐसे अदारे हैं, अगर इसी तरीके से आप निजकारी की तरफ चलते जाएंगे तो अदारे तो पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए होते हैं। अगर अदारे अपने सही तरीके से काम करते हैं या कर रहे हैं, अगर आप उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे तो इसमें नुकसान होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो रेलवे एम्प्लॉयज़ का होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी है, और मेरा ख्याल है कि 80% गरीब तबका इस मुल्क में रहता है, और उनका ज़रिया माश यही है कि वो गवर्नमेंट की मुलाजमतों पर वो फायज़ है, और जो माहाना उनको जो भी इनकम होती है, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है। तो जब इसको आप प्राइवेट की तरफ ले जाएंगे तो जाहिर है कि फिर आपको वहाँ से डाउन साइजिंग भी करनी पड़ेगी, लोगों को निकालना भी पड़ेगा, तो बेरोज़गारी पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, ये सवाल जो ट्रेनें बंद है कोटे से, आजकल सिर्फ एक ट्रेन कोटे से निकल रही है, इस हवाले से आप क्या? देखिए, ये कोविड-19 के पहले जो पाकिस्तान रेलवे में जो कोटा डिवीज़न में मेहरान एक्सप्रेस यहाँ से कराची के लिए चलती थी, या बसीन चलती थी, बलूचिस्तान एक्सप्रेस, बोलान मेल एक्सप्रेस, कोटा नवाबी एक्सप्रेस, और इसके अलावा चमन ट्रेन थी, तो ज़ाहिर है जब ये ट्रेनें जब रवा दवा रहती हैं तो अर्निंग भी होती है, तो इससे ज़ाहिर बात है कि मुलाजमीन को भी फ़ायदा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेनें जैसे जैसे हालात और वक्त गुजरता जाता है, ज़ाहिर है आबादी में भी इजाफा होता है, और ये गरीबों की एक सवारी है। तो ये जो अभी ये जो कोरोना का एक जो ये वबा जो फैली है पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें बंद कर देती हैं, तो लेकिन ये है कि बलूचिस्तान में ट्रेनें अभी तक बंद हैं। अब तो फिर इसकी तीसरी लहर आ गई, बड़ी डेंजरस है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये ट्रेनें जो बंद की है, जो तमाम शहरों में ये जो ट्रेनें इन्होंने दोबारा रवा दवा कर दी है, ये बलूचिस्तान की ट्रेनों में क्या कबात है कि इन्होंने अभी तक नहीं चलाया? मैं खुद ये कह रहा हूँ कि हमारा भी यही कहना है कि पाकिस्तान के दिगर शहरों से जो ट्रेनें जो पहले चल रही थी, अब अभी भी वही ट्रेनें उसी हिसाब से उसी सिस्टम से चल रहा है, सिर्फ कोटे के साथ ही सुथली माँ जैसे सुलूकी हो रहा है। इसमें यह देखिए जी, ये जो हमारे जो मेम्बरान जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं, ये सेनेट में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सूबाई हुकूमतों में जो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में तमाम जगह पर ट्रेनों की बंदिश हुई है, लेकिन वहाँ के MPs, MNAs और सेनेटर साहिबान ने उन्होंने एक आवाज़ वहाँ पर उठाई है आवाम के लिए कि भाई हमारे इलाकों से ट्रेनें क्योंकि चलाई जाए, इनका सफ़र आसान हो, क्योंकि ये गरीब की सवारी है। बलूचिस्तान का अलमिया ये है कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जहाँ पर MNAs भी हैं, असम्बलियों में भी बैठे हुए हैं, सेनेटर भी हैं, लेकिन बलूचिस्तान ट्रेनों के हवाले से किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। इसी वजह से जाहिर है जब आवाज़ नहीं उठाएंगे, जहाँ हमारी 8 या 9 ट्रेनें चलती थी, आज हम एक ट्रेन पर आ गए हैं,
और उसके ऊपर भी आप किराए देख लें कितने बढ़ गए हैं। जाफर एक्सप्रेस का एक ट्रेन चल रही है, इसमें पहले अभी जिन्होंने मिसाल के तौर पर फैसलाबाद जाना है या दूसरे इलाकों में जाना है, वो एक ही ट्रेन है और एक ही ट्रैक पर वो चल रही है, वहाँ से उतर के उनको दोबारा बसों पर सफ़र करना पड़ता है। तो मेरी हकाम से बाला से यही दरख्वास्त है कि आप ट्रेनों को बहाल करें ताकि ये जो गरीब लोगों की सवारी है, देखिए अभी आप देखें कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो चल रही है इसके बाई रोड, यहाँ पर कोचिज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे कोचिज वगैरह डेली 3-4 निकल रही है, खचाखच भरी होती है, लेकिन उसमें 3,000-4,000 आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये गरीब की सवारी है, मेरा ख्याल है गरीब को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रेनों। आज़म सवाती जो पाकी वज़ीर रेलवे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि रेलवे के सारे मुलाजिम चोर हैं, इस बारे में इस हवाले में आपकी क्या राय? बात यह है कि जो सवाती साहब एक इतनी की पोस्ट पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान रेलवे के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इस तरीके से गैर मुनासिब उन्होंने जो बयान दिया, तमाम मजदूरों की दिल आज़ारी हुई है, ऐसे उनको बयान देना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा बयान है कि जिससे हर मजदूर के दिल में बड़ी तकलीफ हुई है। दूसरी बात यह है कि ये एक सियासी ये एक इलेक्ट होकर आए हैं, तो उसको आवाम ने गरीब लोगों ने वोट दिया है, डायरेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट आते या कोई ऊपर खलाई मखलूक से ये आ जाते तो फिर ऐसी ये बातें करना मुनासिब था। और दूसरी बात यह है कि सवाती साहब ने जो ये, मैं तो समझता हूँ कि डिक्टेटर भी के दौर में भी ऐसे मजदूरों की तजलील नहीं हुई है जैसे सवाती साहब ने की है। मैं ये समझता हूँ कि सवाती साहब का ये जो बयान है इसको उन्हें वापस लेना चाहिए, मजदूर के अंदर जो एक एक बेबसी की और एक तजलील की जो एक लहर दौड़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब बयान था, क्योंकि ये 5 साल की हुकूमत है, 5 साल रहेंगे, अभी शायद उनको रिसेंटली अभी 3-4 महीने ही हुए दोबारा उन्होंने चार्ज लिया रेल का, तो ये क्या समझते हैं कि ये ताहयात रेल मिनिस्ट्री में ये रहेंगे? ये कहते हैं कि जी रेल के पास उनके जो मजदूर एक 30 साल की नौकरी करके 60 साल की उम्र में जब रिटायर होता है उसका एक आसरा होता है, वो ग्रेजुएटी के लिए बैठा होता है जिसके लिए उसने अपने बच्चों के लिए शादी के लिए या कोई किसी के लिए कोई घर बनाना होता है, लेकिन मैं घर तो खैर नामुनासिब सी बात है कि कहना, ये जो जितनी रेलवे में ग्रेजुएटी मिलती है शायद किसी भी अदारे में इतनी कम ग्रेजुएटी नहीं मिलती जितनी रेलवे में मिलती है, लेकिन हम फिर भी सब्र शुक्र के साथ करके यहाँ पर बैठे हुए और हम आमीन करते हैं। ये जब ये मजदूर तबका जब रिटायर होता है, जब इसकी ग्रेजुएटी खत्म होती है, तो वो मजदूर क्या करेगा अगर उसको आप ग्रेजुएटी नहीं दोगे? वहाँ पे पेंशन जो से है, पेंशन बुढ़ापे का एक सहारा होता है, अभी वो कुछ काम काज को कर नहीं सकता, तमाम उम्र उसने रेल के डिपार्टमेंट में अपनी गुजार दी है, और उसके बाद उसकी जो पेंशन आप बंद करेंगे तो उसका खाने पीने का जरिया कहाँ से होगा? तो एक इस महंगाई के दौर में आपके सामने सवाती साहब को ये बात करते हुए शर्म नहीं आती कि वो एक मजदूर तबके की ग्रेजुएटी और पेंशन और TADA के रोकने की बात करता है कि क्या आपने ये जो स्टील मिल्स का ये हाल है ये हमने किया है, ये जो दूसरे PTCL का हाल हमने किया, PIA का हाल हमने किया, रेल का हाल हमने किया, मजदूर तबके ने कुछ बुरा हाल नहीं किया, मजदूर तबके ने हमेशा आज जो रेल रवा दवा है मजदूर तबका इस पर रवा दवा रखा होगा, आज जो PIA जो चल रही है, PTCL चल रहा है, वाबडा चल रहा है, इसमें मजदूर तबका चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी तो बैठी हुई है अपने ऑफिस में, वो तो खाली एक ऑर्डर पास करती है, उस ब्यूरोक्रेसी ने और जितना यहाँ के मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया? और दूसरी बात है, कभी किसी मजदूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कभी केस बना है? कभी उनके ऊपर कोई ऐसा केस गद्दारी का केस बना है? मजदूर तो अपने मुल्क के लिए अपने अदारों को चलाने की काम करते हैं, आप ये मजदूर को सब कुछ दे दें, उनको इख्तियार में दे दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम अदारे अपनी जगह पाँव पे खड़े हो जाएंगे। एक अहम सवाल ये यूनियन के हवाले से, यहाँ पे एक तो आपका प्रेम यूनियन है और दूसरे भी यूनियन है, उन इन यूनियन वालों ने मजदूरों के हवाले से क्या इकदाम किए हैं, क्या काम किए हैं? देखिए हम प्रेम यूनियन CBA है हमारी, ठीक है ना, इसमें हमारे जो कायदे प्रेम है हाफिज सलेमान भट्ट, इनकी बड़ी कोशिशें बड़ी काविशें इस यूनियन और मजदूर काज के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने इस मजदूर के लिए एक इनके जो बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए एक चार्टर ऑफ डिमांड जो उन्होंने बनाई है उसमें तमाम मजदूरों के मसाइल उसमें लिखे हुए हैं।
दूसरी बात यह है कि वो एक कायदे प्रेम जो से हाफिज सुलेमान भट मरहूम, जिनका आपको पता ही है कि वो एक दलेर और एक दलेर जी हाँ जी हाँ बहुत मुखलिस इंसान थे। वो दो मरतबा MLA बने हैं, एक मरतबा वो MPA बने हैं और फुटबॉल फेडरेशन जो फीफा है उसके भी अहम अहदे पर फायज रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब उनका जनाजा घर से उठाया तो वो कराए के एक मकान में थे, उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए कोई कुछ नहीं हासिल किया। इसीलिए तमाम ब्यूरोक्रेसी उनसे घबराती थी क्योंकि वो ना चोर थे, ना वो कोई झुकने वाले थे, ना वो बिकने वाले थे, वो एक नहायत ईमानदार लीडर थे। आज इसी की वजह से आपने देखा कि प्रेम यूनियन में जो दर्जोग लोग शमूलियत कर रहे हैं, उनकी मेन वजह यही है कि हमारी जो लीडरशिप है वो एक नहायत ईमानदार लीडरशिप है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने ये सवाल किया कि दूसरी यूनियन, देखिए दूसरी यूनियन ये है कि बुलकुलचा डिवीजन में, हम बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान में एक COVID-19 के बाद जो ये हालात पैदा हुए, ट्रेनों की बंदिश हो गई, लेकिन तमाम दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में, तमाम डिवीजनों में ट्रेनें तो दोबारा चल रही हैं जी हाँ। लेकिन मसला ये है कि कोयटा की ट्रेनें क्यों नहीं चल रहे हैं? इससे पहले ये COVID-19 से पहले आपको पता था यहाँ से 9-10 ट्रेनें चला करती थी। यही तो है सवाल ये है। मैं आपको बता रहा हूँ, अबासीम यहाँ से चलती थी कोयटा से लेकर पिशावर तक, मेहरान कोयटा से कराची तक पैसेंजर ट्रेन थी, जहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन रोड़ी तक चलती थी, चमन एक्सप्रेस चलती थी, बलोचिस्तान एक्सप्रेस चलती थी, जाफर एक्सप्रेस चलती थी, अकबरबुट्टी एक्सप्रेस चलती थी, इसके अलावा चेतन एक्सप्रेस चलती थी। तमाम जो रस्ते हैं वहां से होती हुई ये गरीब की सवारी है, इसको गरीब ही अफोर्ड कर सकता है। सरमायादार हमेशा बाय एयर सफर करता है या बाय रोड सफर करता है। अभी आप अगर इतना आप कहते हैं COVID-19 का इतना अगर असर है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो चल रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उसका 3-4 हजार रुपए किराया है, लोग मजबूर। देखें मेरी बात सुनिए फिर तो इसकी मेन वजह ये है कि मैं आपको बता दूं जरूर साहब, बात ये है कि जो हमारे दूसरे जो सूबे हैं, ठीक है ना, हमारा एक बलूचिस्तान एक कहते हैं, तमाम सियासतदान भी कहते हैं, सब लोग मानते हैं बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, ठीक है ना, यहाँ पर इनकम कुछ भी नहीं है, किसी भी नहीं है, यहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादा रहता है। अब मसला ये है कि वहाँ के जो MPAs MLA या सेनेटर साहिबान हैं, उन्होंने असम्बलियों में ये आवाज़ें उठाई हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेन बहाल किया जाए। हमारी बदकिस्मती ये नहीं ये है कि हमारी यहाँ पे असम्बलियाँ भी मौजूद है, सेनेट भी मौजूद है, नेशनल असम्बली भी मौजूद है, यहाँ के MLA सेनेटर MPAs वगैरह मिनिस्टर सब मौजूद है, लेकिन इस पाकिस्तान रेलवे की ये ट्रेनों की बहाली के लिए कोई बात नहीं करता। इसी वजह से आप यकीन करते हैं कि किसी की अगर फौतगी हो जाती है वो अपने ट्रेन के अगर, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस से चल रही है, इनको टिकटें वगैरह इनको सीटें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि रश ज़्यादा है, तो आप यकीन करें कि ना वो जनाजों पे पहुंच सकते हैं, ना वो शादियों पे पहुंच सकते हैं, कि एक इंतहाई परेशानी का आलम है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम डाउन साइजिंग करेंगे, जी हम निचकारी के हवाले से निकालेंगे। भाई निचकारी आप लगाएंगे बाहर से लोगों को लेकर आएंगे, आप किसको लेकर आएंगे? यही मजदूर है, इन्हीं लोगों ने रेल को रवा दवा रखा हुआ है, आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि जी हम निचकारी करेंगे? निचकारी इससे पहले आपने ये PTD की है, PTCL की है और अदारों की है, क्या फायदा हुआ? लेकिन कभी भी मजदूर ने, हमेशा मजदूर ने अपने अदारों को, देखिए साहब फुल फ्लैज पावर अगर मजदूर को दे देंगे तो इंशाल्लाह ये जो रेल है, ये दूसरे अदारे हैं, ये बहाल रहेंगे। 4,500 इन्होंने स्टील मिल से लोग निकाल दिए, आज वो बंद पड़ी हुई, जब वो चली थी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा, वो एक स्टील मिल्स का एक बड़ा रोल रह चुका है, वहाँ पे इतने 4,500-5,000 लोग वहाँ पर जॉब करते थे, उनका रोज माश था 4-5 सौ का मतलब है 4-5 हजार खानदान चलते थे, लेकिन जब वो बंद हो गई वो 4-5 हजार खानदान मुतासर हुए, ठीक है ना। अब अगर रेल के अदारे या दूसरे अदारे आप उसको अगर आप बंद करेंगे तो आपको पता है कि आपके कितने खानदान मुतासर होंगे। जब बात ये है, जब बेरोजगारी को ख़त्म करना, रोजगार देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है, इलाज मुआवजा रियासत की जिम्मेदारी है, तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है, तमाम जिम्मेदारियां रियासत की है। मैं समझता हूं कि रियासत क्या कर रही है, ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, इनको नहीं चाहिए कि हम अपने मजदूर को फैसिलिटेट करें ताकि हम मजदूर के जितने मसाइल हैं उसको हल कर सके। मजदूर का अब हमारे TA नहीं मिल रहे, यहाँ कोयटा से जो ट्रेन चलती है, यहाँ पे जो स्टाफ चलता है, इलेक्ट्रिक स्टाफ, दूसरा स्टाफ चलता है, वो कोयटा से पिशावर तक जाता है, लेकिन उनको जब टाइम पर अगर TA नहीं मिलेगा तो वो कहाँ क्या करेंगे, रस्ते में वो खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं। इसलिए मैं भाई मेरे जान में ये बात करता हूँ कि रेलवे में
ऐसे निजकारी को नाम मंजूर करेंगे। और जिस तरीके से आजम सवाती ने जल्दी तक तेल फेंका, मैं यही समझता हूँ ये जो जितने भी करप्शन के बाजार आज जो नैब में चल रहे हैं, जो अदालतों में चल रहे हैं, ये किसी मजदूर के मसाइल और इनके नैब के या दूसरे अदारों में मजदूर के केस नहीं चल रहे, इन्हीं के सियासतदानों के, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के, इन्हीं लोगों के जो करप्ट हैं, इनको देखें, ये हमारे अदारों में काली भीड़ है, इनको निकालना पड़ेगा। ताकि फिर ये आपका नाजरीन आज रो बबर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं रेलवे के हवाले से, इन्होंने अपने दिल की बड़ास भी निकाल दी। मैं खुद इस बात को गैर संजीदा समझता हूँ जनाब आजम स्वाती साहब का, जिन्होंने मजदूरों के हवाले से ये बात कही है कि ये सारे चोर, तो इस तरह की बात एक महजब शहरी और इतने एक अहम अहदे पर फैज होने के बावजूद इनको नहीं कहनी चाहिए। बहरहाल हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो बलूचिस्तान से निकलने वाली ट्रेनें हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए, और इस वक्त जो इनसे वाबस्ता मजदूर तबका है या वहाँ दुकानदार हजरात हैं, यहाँ ठीए लगाया लगाने वाले हैं स्टेशनों में, उनका भी इससे जो है उनका रोजगार मुतासर हो। ट्रेनों की बंदिश से जरूर सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ट्रेनों की बंदिश से एक रेलवे एम्प्लाइज मुतासर नहीं हुआ। यहाँ पर जो स्टेशन पर जो यहाँ पर खुली हजरात हैं हमारे, जिनका रोजाना की बुनियाद पर उनका रोजे मार्च चलता है, ट्रेनें बंद गए वो कहाँ पे जाएंगे? जो यहाँ पे स्टॉल चलते थे वहाँ पे कोई कुल्फी बेचने वाला, कोई छोले बेचने वाला, कोई वहाँ पे जो स्टेशन पे जो चीज़ें बिकती हैं, जब ट्रेनें बंद होंगी तो उनका रोजे माश, इन्होंने ये तो ऐसा है कि माशी कत्ल करके रख दिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर।